अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ग्लूवॉल में बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है, तो आप लोग कहोगे कि स्काइलर कैरेक्टर। लेकिन मैं आप लोगों को आज इस कैरेक्टर की एबिलिटी बताने वाला हूँ। यूट्यूब पे आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी, बट इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा ओपी है। तो गाइस वर्सेस करने वाले हैं हम स्काइलर कैरेक्टर के साथ कि बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है ग्लूवॉल के लिए, ठीक है। तो गाइस हम लाइव प्रूफ एबिलिटी टेस्ट भी करेंगे और गाइस देखते वाले हैं कि यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर आप लोगों के साथ बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और गाइस यार चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्काइलर कैरेक्टर की एबिलिटी दिखाता, ठीक है। तो गाइस यहां पर मैं स्काइलर कैरेक्टर लेके आ चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं ग्लू लगाऊंगा। आप लोगों को पता है स्काइलर कैरेक्टर क्या करता है, 5 ग्लू वॉल को एक साथ तोड़ देता है। तो यहां पर मैं ग्लू लगाता हूं और दूर दूर मैं ग्लू वॉल लगा देता हूं। तो देखो यहां पर, यहां नहीं, इससे पहले लगा देता हूं ताकि आप लोगों को सीधा दिखे, ठीक है। तो यहां पर मैं ग्लू लगा देता हूं और इससे एक और दूर पर मैं ग्लू लगा देता हूं, ठीक है। ग्लू वॉल लगा दिया, अभी आप लोग देख लो बहुत दूर दूर ग्लू है। तो मैं यहां पर इसको तोड़ने वाला हूं। तो ये देख सकते हो कितने सेकंड में जो है इसने ग्लू तोड़ दी। तो गाइस अभी मैं अभी दूसरे कैरेक्टर की आप लोग एबिलिटी देखो, नायरी कैरेक्टर। तो गाइस ये प्रीमिस कैरेक्टर नहीं है यहाँ पर, देखो क्योंकि ये एडवांस सर्वर की वीडियो है तो यहाँ पर प्रीमिस ही दिख रहा है, ठीक है आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर मैंने ग्लू के ऊपर यहाँ पर देखो मैंने फायर किया और यहाँ पर ये डैमेज हो गई। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो गाइस देखो ऑटोमेटिकली एक ग्लू जो है रिकवर हो जाएगी, जैसे कि जैसी पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी। देखो गाइस रिकवर हो जाती है, इसकी ये पहली एबिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा ओपी है। तो अगर आप लोगों को एनिमी यहाँ पर ऐसे करके छोड़ देता है, यानी कि डैमेज करके ग्लू को छोड़ देता है, तो आप लोग ग्लू वॉल रिकवर हो जाए। अभी गाइस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ स्काइलर की दूसरी एबिलिटी। यहाँ पर देखो मेरी 25 एचपी बची हुई है, ठीक है। तो अभी मैं जो है ग्लू लगाऊंगा और यहाँ पर देखना आप लोग मेरी एचपी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर अपनी ग्लू, दो ग्लू मेरे पास पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मैं एक ग्लू लगा करता हूँ और गाइस देखो एचपी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये आप लोग को पता होगा, ठीक है, एचपी इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे देखो 67 एचपी हो गई 25 से, ठीक है। अभी मैंने फिर से एक ग्लू लगाई और यहाँ पर एचपी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक ग्लू वॉल पर आप लोग हर ग्लू वॉल पर एचपी इंक्रीज करता है। तो अभी देखो नायरी कैरेक्टर क्या करता है, इसकी दूसरी एबिलिटी बहुत ज़्यादा ओपी है। तो इसकी एबिलिटी देखो, तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, ग्लू लगाऊंगा। सबसे पहले ग्लू लगा दिया मैंने और अब मैं इसको फायर करूँगा एआरएमओ से। तो यहाँ पर एआरएमओ से अगर आप फायर करते हो तो आप लोगों को 25% एक्स्ट्रा डैमेज देगा ये, ठीक है। देखो जैसे डैमेज दोगे आप लोग, बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, तो आप लोग ग्लू ईजिली तोड़ सकते हो इससे। तो गाइस ये है दोनों के दोनों कैरेक्टर। और अभी आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ दोनों कैरेक्टर की। तो गाइस एक जो नायरी कैरेक्टर है आप लोगों का, वो नायरी कैरेक्टर जो है पैसिव एबिलिटी वाला है और स्काइलर एक्टिव एबिलिटी वाला है। तो आप लोग दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। देखो सबसे बेस्ट कैरेक्टर स्काइलर है क्योंकि ग्लू वॉल के अंदर देखो एचपी भी इंक्रीज कर रहा है, ग्लू भी तोड़ रहा है, ठीक है। बट पैसिव कैरेक्टर में बेस्ट कैरेक्टर होने वाला है ये ग्लू के लिए, ठीक है। आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर बेस्ट लगा। तो गाइस ये थी वीडियो। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।